क्या पूछा जा रहा है देखिए प्लास्टिक नहीं झूठ सही अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है एक अभियान है नाम है आपके सामने प्लास्टिक नहीं झूठ सही ये जो अभियान है इस अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है देखिए सबसे पहली बात तो ये जो अभियान है ये अभियान है क्या इस अभियान का उद्देश्य क्या है इस अभियान का उद्देश्य यह है कि प्लास्टिक जो केरी बैग आते हैं ना के प्रयोग से लोगों को जागरूक करना है प्लास्टिक केरी बैग के याद रखिएगा प्रयोग से बचने के लिए कैरी बैग के प्रयोग से बचने के लिए लोगों को जागरूक करना लोगों को जागरूक करना आजकल क्या होता है कि अभियान से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार थियोटिकल आता है कि हाल ही में लोगों को प्लास्टिक कैरी बैग के प्रयोग से बचने के लिए जागरूक किया गया था निम्न में से कौन से अभियान के तहत अब पूछा जा रहा है इस अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई थी याद रखिएगा कोटा से और इस अभियान की जो शुरुआत है वो कोटा से ओम बिड़ला जी के सहयोग से, से ओम बिड़ला आप सब जानते हैं कि ये लोकसभा अध्यक्ष है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष याद रखिएगा ठीक है चलिए तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने याद रखेगा कोटा से है किससे संबंधित है प्लास्टिक केरी बैग के प्रयोग से बचने के लिए लोगों को जागरूक करना है ठीक है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर ठीक है चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन है राज्य का दूसरा खरमोर ब्रिंडिंग सेंटर निर्माणाधीन है देखिए खरमोर पक्षी कौन सा पक्षी है खरमोर पक्षी खरमोर पक्षी जो है याद रखिएगा यह अजमेर जिले का शुभंकर है किसका है अजमेर जिले का शुभंकर है खरमोर और भीलवाड़ा का है मोर याद कर रखे होंगे आपने सारे के सारे शुभंकर तो अजमेर जिले का शुभंकर है जिसका नाम है खरमोर यहां पर पूछा जा रहा है राज्य का दूसरा मतलब राज्य का पहला पहला खरमोर ब्रिंडिंग जो सेंटर है वो खोला गया था याद रखिएगा अजमेर में अब बात हो रही है आपकी दूसरा राज्य का दूसरा खरमोर ब्रिंडिंग जो सेंटर है यह खोला जाएगा याद रखिएगा यानी कि निर्माणाधीन है कहां पर याद रखिएगा शोरशेन बारह यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा यहां पर सी इज करेक्ट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ठीक है चलिए अगला अगला क्वेश्चन है ट्री मैन ऑफ इंडिया जिन्हें मध्य प्रदेश ने पौधारोपण अभियान का ब्रांड एम्बेस्डर बनाया हमारे राजस्थान के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और उनको मध्य प्रदेश राज्य के अंदर पौधारोपण अभियान का ब्रांड एम्बेस्डर बनाया है कैलाश सांकला विष्णु लांबा राजेंद्र सिंह या योगनाथन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ट्री मैन ऑफ इंडिया देखिए ट्री मैन ऑफ इंडिया जिसे कहा गया है वो है आपके विष्णु लांबा कौन है विष्णु लांबा और सबसे अच्छा क्वेश्चन है ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले जो विष्णु लांबा है इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है याद रखिएगा ये लांबा गांव के हैं और लांबा टोंक में है टोंक जिले से है सबसे पहली बात इनको ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्यों जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अभी तक एक करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं एक करोड़ से अधिक पौधे लगा दिए हैं एक करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं इसीलिए इनको ट्री मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है नाम है विष्णु लांबा याद रखिएगा लांबा टोंक से इनका संबंध है और इनको मध्य प्रदेश के अंदर पौधारोपण अभियान का क्या बनाया है ब्रांड एमेस्टर तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर याद रखिएगा जो कैलाश सांकला है इन्हें कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया टाइगर मैन ऑफ इंडिया और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के ला का संबंध जो है वो हमारे राजस्थान के जिस जिले से है वो जिला है याद रखिएगा जोधपुर राजेंद्र सिंह जो है याद रखिएगा इन्हें कहा जाता है जोहड़ वाले बाबा और इनका संबंध हमारे राजस्थान के जिस जिले से है वो जिला है याद रखिएगा अलवर इनका एक संघ भी था तरुण भारत संघ इनके लिए भी इन्होंने कार्य किया था एक क्वेश्चन है आपसे कमेंट करके बताइए कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है क्योंकि ये तो ट्री मैन ऑफ इंडिया है विष्णु लांबा वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है कौन कैलाश सांकला ये बताइए कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया बताइए बताइएगा ठीक है यह पिछली बार रेट एग्जाम के अंदर आया था साइंस वाले जो होते हैं ना उनके अंदर अगला क्वेश्चन है जुवेलरी क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित व्यक्तित्व है बताइए कौन से शे क्षेत्र के अंदर ज्वेले क्षेत्र के अंदर विशेष योगदान के लिए कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित व्यक्तित्व है मांगीलाल कृपाल सिंह जमुना प्रसाद या कुशल चंद सुराना तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर कुशलचंद सुराना को ठीक है कुशलचंद सुराना चलिए आप कमेंट करके बताइएगा इनका संबंध कहां से है ठीक है ऑप्शन नंबर है आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर जिए अगला क्वेश्चन अगला है अंतिम बार कब राजस्थान का पूर्णकालिक बजट केंद्र सरकार के बजट से पहले आया था देखिए अभी वर्तमान की हम बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि कल यानी कि 10 जुलाई 10 जुलाई 2024 राजस्थान सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया था बजट 2024 और 25 के नाम से ये तो है राजस्थान सरकार तेईस जुलाई तेईस जुलाई 2024 को हाल ही में घटित केंद्र सरकार का बजट आएगा तो आप देख लीजिए केंद्र सरकार का बजट तो आएगा तेईस जुलाई को जबकि राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से पहले अपना बजट प्रस्तुत कर दिया और यह पूछा इसीलिए जा रहा है कि अंतिम बार कब राजस्थान का पूर्ण कालिक बजट जो है वो केंद्र सरकार के बजट से पहले आया था तो याद रखिएगा 1991, 1991 के अंदर अवसर था जब राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र सरकार से पहले बजट प्रस्तुत कर दिया और उन्नीस के बाद अब जाकर 2024 के अंदर यह अवसर आया वापस जब राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से पहले बजट प्रस्तुत किया यानी कि देख लीजिए 1991 से लेकर 2024, यानी कि 33 वर्षों के बाद कितने 33 वर्षों के बाद यह पहला अवसर आया वापस जब राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से पहले अपना बजट प्रस्तुत किया और राजस्थान सरकार ने यह जो बजट प्रस्तुत किया है करने वाली महिला है कौन याद रखिएगा दिया कुमारी क्योंकि बजट हमेशा वित्त मंत्री और आपको पता ही है दिया कुमारी क्या है डिप्टी सी भी है और वित्त विभाग भी इन्हीं के पास है तो ये प्रस्तुत करेंगे याद रखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने बी इज अ करेक्ट आंसर ठीक है और फिर हम अब आगामी कुछ दिनों के अंदर देखेंगे बजट से संबंधित देखिए बजट में वैकेंसी तो अब बताई गई है इतनी इतनी लेकिन क्वेश्चन तो बहुत सारे बड़े हैं तो उनके बारे में भी हमें चर्चा करनी है ठीक है तो ये थे आज के हमारे करंट विशेष के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहां पर

ठीक है तो ये तो थे हमारे करंट विषय से संबंधित क्वेश्चन और ये है आपके पीआरपी पब्लिकेशन की हर एक एग्जाम एक एक के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पुस्तक है जो कि आपके सब जगह अवेलेबल है ठीक है चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले सेशन में जहां चर्चा और बड़े अच्छे क्वेश्चनों के साथ करेंगे बस आप लगातार अपनी तैयारी को इसी प्रकार जारी रखिए और देखिए बजट आ गया है लेकिन निराश होने की आवश्यकता है नहीं ठीक है